ये हमारे गिलास इन्होंने अलग से रखे हुए हैं, तो देख सकते हैं जी ये गिलास। रेनु रना रे, हमारे गिलास अलग से रखे हुए हैं और जो हमारे साथ जो मुस्लिम भाई आए हुए थे उसके लिए मतलब कि अपना ही गिलास है। अच्छा मतलब कि आप नफरत करते हो? जा, जा, नहीं उनके साथ नहीं खाते? जा, जा, नहीं खाते पीते? अच्छा ये छोटा डेमने था, इन्हें वो गिलास से चुपाते हैं जी, इसके लिए वो मगा चले सी प्यारे हैं उन लोगों के साथ इस तरह से नफरत। दोस्तों प्यारे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया जाता है? हिंदुओं के लिए खाने पीने के जो बर्तन है वो अलग रखे जाते हैं, उनसे जो है ज़्यादा पैसे या बैठने तक की जगह उनको नहीं दी जाती है। एक पूरी रियल वीडियो है, एक पाकिस्तान के भाई उनका व्लॉग है, उसके अंदर इसमें पूरी सच्चाई दिखाई। चलिए वीडियो में देखते हैं। आज मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। चलेंगे मुस्लिम भाइयों की स्टॉल लगा हुआ पानी का, जहाँ पर वो पानी सेल कर रहे हैं। हम जाएंगे पानी पियेंगे वहाँ से, ठीक है, तो उन्हें बताएंगे कि हम हिंदू हैं, तो हमारे बर्तन उन्होंने अलग से रखे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरा मकसद जो है बेसिकली वीडियो को बनाने का यही है कि लाइव प्रूफ आप लोगों को चल कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरे साथ एक मेरा मुस्लिम दोस्त है, क्या नाम है आपका? शफाकत अली। ये भी चलेगा, ये भी पानी पिएगा, लेकिन इसको जो है वो मतलब कि पानी अपने ही बर्तनों में देंगे, लेकिन जो है वो हमारे बर्तन उन्होंने अलग, ठीक है। सामल राम भाई, फ्रेंड्स हम दो भाई हिंदू हैं और एक हमारा दोस्त जो है वो मुस्लिम है, तो चलते हैं पानी पीते हैं और आपको लाइव। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं भाई लोगों के पास, जहाँ पर ये भाई लोग जो है वो सेल कर रहे हैं पानी, तो ये आप लोग देख सकते हैं जी। तो यहाँ से पीते हैं पानी, ये सिस्टम बनाया हुआ है भाई लोगों का पानी का। अस्सलाम वालेकुम सर, मुस्लिम हो सर? मुसलमान हो? हिंदू? नहीं नहीं मुसलमान हो ना? हाँ। जी जी बस ठीक है, वीडियो बना रहे हैं हम इस वजह से। मुस्लिम भाई क्या नाम है? साजिद। अच्छा कितने का दे रहे हो ये? कितने का दे रहे हो ये गिलास? गिलास पानी का कितने का? 50 का भी है? अच्छा 60 का? अच्छा अच्छा 80। अच्छा जी देख सकते हैं, तो ना ऐसे करो आप 2 50-50 वाले कर दो, ठीक है। हम जो होते हैं ना ये दो गैर मुस्लिम हैं, ये भाई और मैं, ठीक है, और एक भाई मुस्लिम है, ठीक है। तो देख सकते हैं जी भाई ने कहा है हमारे गिलास कहाँ रखे हुए, वो तो देख सकते हैं जी। ये हमारे गिलास इन्होंने अलग से रखे हुए हैं, तो देख सकते हैं जी ये गिलास आप लोग देख पा रहे होंगे शापर में, ठीक है। और ये भाई निकाल रहे हैं, इसको धोएंगे हम, ये जो है पानी, तो देखें जी, ठीक है एक सेकेंड, तो देख पा रहे होंगे जी भाई हम हिंदू हैं इस वजह से, गैर मुस्लिम हैं इस वजह से, हमारे गिलास इन्होंने अलग से रखे हुए हैं। तो आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे कि मैं जो है वो बेसिकली एक ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक गिलास जो है, दूसरा गिलास एक ही बड़ा है, देख सकते हैं भाई। लेकिन जो वो मुस्लिम हमारे साथ आया हुआ था दोस्त, ठीक है, उसके लिए जो है वो उन्होंने अपना ही गिलास दिया है जी, देख सकते हैं जी। ये ज़बरदस्त पियो, देखें ये भाई पी रहा है। लेकिन जो है वो मुस्लिम दोस्त जो हमारे साथ आए हुए हैं उसके लिए अलग से, आप लोग देख पा रहे होंगे वो तो देखें, उसके लिए अलग से उन्होंने जो है वो उन्होंने अपना गिलास दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, इसके लिए उन्होंने अपना ही गिलास दिया है। देखें जी ये भाई अब मेरे लिए पानी ले रहा है जी, तो ये है जी मेरे लिए, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे गिलास अलग से रखे हुए हैं भाई लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हम गैर मुस्लिम हैं ना, इस वजह से हमारे गिलास अलग से रखे हुए हैं। और हमारे साथ जो मुस्लिम भाई आए हुए थे उसके लिए मतलब कि अपना ही गिलास उन्होंने दिया, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए ये देख सकते हैं हमने पानी पी लिया और ये अलग से जो बर्तन रखे हुए थे हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। हमारे बर्तन आपने अलग से रखे होते हैं गैर मुस्लिमों के, ठीक है, वजह क्या होती है? वजह वो वजह है जो असमने दे बर्तन नहीं लेने ना हाथ लेने वो धोने आप इन चैने आप इन रखने आप इन सारी गैर मुसलमानों के गिलास नहीं लेने। अच्छा ये आप लोगों के मुसलमानों की, अच्छा हिंदुओं के अलग से रखे होते हैं आपने? अच्छा अच्छा आप मतलब के सिर्फ उसे जो है पानी देंगे, बाकी वो धोएंगे खुद? धोएंगे खुद मतलब के उठाएंगे खुद वहीं पे रख के आएंगे? अच्छा सही हो गया, नफरत की जाती है ना हिंदुओं से? अच्छा वजह क्या होती है, क्यों
ये कुछ बताएंगे आप? मुसलमान वो गैर मुसलमान। अच्छा उन्होंने खार खाने। अच्छा मतलब कि आप नफरत करते हो? नहीं उनके साथ नहीं खाते? नहीं खाते पीते? अच्छा ये छोटा डेमने था ये वो गिलास से पीते हैं इसके लिए वो मगा चले थी। अच्छा आप गिलास से पीवे वाला थोड़े वाला पीते वाला चावे आप रखे सही हो गया ठीक हो गया सर ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं जी हमने आप लोगों को लाइव ग्रुप दिखाया है स्टूडियो में ठीक है। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है यार जो है वो जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे होते हैं जितने भी हिंदू रह रहे हैं उन लोगों के साथ इस तरह से नफरत की जाती है ठीक है। मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो उनके साथ नहीं खाते पीते ठीक है। ये आज से नहीं ये शुरू से ऐसा चलता आ रहा है ठीक है। शुरू से ही ऐसे ही हमारे हिंदुओं से नफरत करी जा रही है ठीक है। जो है वो अक्सर आप लोगों को वीडियो में बता रहे होते हैं ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज भाई सुना आपने कैसे देखा यार देखा पाकिस्तान के अंदर कैसे मतलब हिंदुओं के लिए अलग इजलास रखे गए और वो दुकान वाला उसको टच तक नहीं करता भाई टच भी नहीं करता अलग से पन्नी रखी हुई है खुद ही उतारो खुद ही साफ करो उसको मतलब पानी डाल दे ऊपर से खुद ही उसको धो फिर उसके बाद भाई उसको जो है पियो उसके बाद साफ करके वापस पन्नी में रखो उस दुकान वाले को वो टच भी नहीं करता दुकान वाले उस गिलास को टच भी नहीं करता है। इतनी ज्यादा नफरत इतना ज्यादा जो है एक जहर घोला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ये हिंदुओं के लिए नहीं भाई सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए मतलब कि हिंदुओं से अलग जो भी कोई होगा कोई अंग्रेज है या फिर कोई सिख है कोई भी पारसी है वो जो पारसी वगैरह वहाँ पे नहीं है तो भाई जो भी क्रिश्चियन है वहाँ पे उनके लिए अलग से गिलास रखे हो भाई जो उनके बंदे हैं उनके लिए भाई कांच के अच्छे गिलास है और जो उनके लिए भाई स्टील के गंदे गिलास साइड में रखे पड़े हैं ये भाई पाकिस्तान के अंदर समान था। और ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि भाई वो जो चीज़ें वहाँ पे है ना वो किसकी वजह से कोई रूल नहीं बनाया सरकार ने वो वहाँ के लोगों की मानसिकता है। वहाँ के लोग दुकान पे जाके बोलते हैं कि भाई क्या तुम्हारे पास गैर मुस्लिमों के लिए अलग बर्तन है वो दुकान वाला बोलता है हाँ तो जो वहाँ के मुसलमान भाई साहब है वो वहाँ पे खाना पीना खाते हैं बड़े बड़े से लेकिन जो कोई बोलता है कि भाई मैं तो सेकुलर हूँ मैं अपने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखता तो उसके वहाँ पर खाना खाना वहाँ के पाकिस्तान के जो मुसलमान भाई साहब है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं उनको जो है बायकॉट कर देते हैं। इस वजह से भाई दुकानदार की मजबूरी होती है और मजबूरी क्या होती है भाई वो भी तो देश का ही नागरिक है वो भी तो उन्हीं में से एक है। तो ये है भाई पाकिस्तान के अंदर हकीकत और जो हमारे इंडिया में भाई सेकुलर बातें होती है और उनके ऊपर लोग आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई को परेशान किया जाता है तो भाई कहीं आपने ऐसा देखा हो या आपको खाने से मना कर दिया हो या फिर यार हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम चलता है भाई लेकिन मुसलमान भाइयों की इतनी दुकान है भाई उन पर भी लोग जाते हैं खाते पीते सामान खरीदते हैं वो तो नहीं देखते भाई चीज़ें तो सोचने वाली बात है भाई क्या कह सकते हैं आपकी क्या राय प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।